हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मितास फूड। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी चिली चिकन की रेसिपी। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चिकन के पीसेस लिए हैं, ये करीबन 700 के करीब है। मैंने इसे अच्छे से धो के छान के ले लिया है ताकि इसमें से कोई भी पानी ना निकले। अब इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे डाला है हल्दी, हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली यूज़ की है। इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे एक चम्मच के करीब हमने यहाँ पे डाला है कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें कूटा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। तो मैंने एक अंडा इसमें फोड़ के डाल लिया है। अब इसमें बाइंडिंग लाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दो चम्मच मैदा। और अच्छे से क्रिस्प और क्रंची बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे एक से दो चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से अगर चिकन में थोड़ा सा पानी भी रह जाता है तो भी वो एडजस्ट हो जाएगा। अब इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए आप चाहे तो इसे चम्मच या स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ से हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि मैरिनेट चारों तरफ अच्छे से हो सके। मैरिनेट करने के बाद इसे हम रखेंगे आधे से एक घंटे के करीब। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। मैं यहाँ पे हाफ चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे आधे से एक घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन में हमने जो मसाले मैरिनेट किए हैं अच्छे से इसमें फ्लेवर आ सके। मुझे यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। मैंने उस वक्त ऐड करना भूल गई थी। अब ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम तेल गरम करने के लिए रखेंगे ताकि हम चिकन को फ्राई कर सकें। तेल हमने यहाँ गरम करने के लिए छोड़ दिया था और तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है। अब आंच को मीडियम कर लेंगे और चिकन के पीसेस को इसमें फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता और हम मीडियम आंच में अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक का चिकन को फ्राई कर लेंगे। हमें चिकन को अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक का फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और बाकी बचे पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पे इस तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है। अब हम बाकी बचे चिकन के पीसेस को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब हम चिली बनाने के लिए सॉसेस तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच के करीब लिया है टमाटो सॉस और 1 चम्मच लिया है रेड चिली सॉस और 1 चम्मच लेंगे सोया सॉस। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे सॉसेस बनकर तैयार हैं।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक तरफ रख लेंगे। अब हम स्लरी तैयार करेंगे। इसके लिए एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। अब हमारे सॉस और कॉर्नफ्लोर का घोल बनकर तैयार है। अब बाकी बचे चिकन के पीसेस को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे लिए हैं कटे हुए प्याज, कैप्सिकम, थोड़े से ग्रीन चिली, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटे हुए लहसुन, जिसे हमने यहाँ पे चिकन के सारे पीसेस को फ्राई करके ले लिए हैं। और बाकी बचे तेल को हम अलग से रख लेंगे। अब पैन में ऑयल गरम करके हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और लंबे कटे हुए अदरक के टुकड़े और ग्रीन चिली, और इसी के साथ ही प्याज डालेंगे जिसे हमने क्यूब शेप में काटा है। तो मैंने यहाँ पे दो प्याज को लिया है। और इसी के साथ ही हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम और सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। हमें सभी वेजिटेबल्स को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि जब हम चिकन के साथ इसे फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा पक जाएंगे। तो हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अब हम इसमें डालेंगे हमने जो सॉस तैयार करके रखा था उसे ऐड करेंगे, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बनाएंगे, और इसे 1 से 2 मिनट इसे फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पे आंच को मीडियम ही रखा है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाए, अब इसमें हम डालेंगे स्लरी जिसे हमने कॉर्नफ्लोर का बना के रखा था। अभी यहाँ पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल जिसे हमने तैयार करके रखा था। जैसे ही हम कॉर्नफ्लोर के घोल को इसमें डालेंगे तो ये थोड़ा सा थिक होने लगता है, और जो हमने पानी इसमें डाला था वो भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे फ्राई करके रखे हुए चिकन को और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमने इसमें जो पानी ऐड किया था वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉसेस को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। अभी चिकन चिली बनकर तैयार है। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे विनेगर, जो कि इसको बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा। 1 चम्मच विनेगर ऐड करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फाइनल हमारी चिली चिकन बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।